बात करेंगे हल्का हलचल की, जहां पर आपको हम रोज सुबह सुबह हल्के आपके हल्के की हर एक अपडेट देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार आज आपके हल्के में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदीश कलावली से, रमेश फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, परमजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी, आप इस समय मंदिर में मौजूद हैं और सावन की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जिसकी बिल्कुल बात की जाए तो मैं कालावाली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में हूँ। इस समय भक्तों का जो ताता है वह देखने को मिला है। एक बात देखने सामने आई है कि सावन के दूसरे दिन जो स्थिति है झमझमा बारिश को लेकर मौसम में ठंडक बनी हुई है। भक्तों में कहीं ना कहीं जो शांति है वह देखने को मिल रही है। हम सुबह से ही जो है मंदिरों में आना जाना शुरू हो गया है। अगर मंदिर के कमेटी की बात की जाए तो कोरोना काल की गाइडलाइन की जो है पालना वो पूरी की जा रही है। मंदिर के दीवार पर भी एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाया गया है, जिससे लोगों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है, मास्क का प्रयोग भी बिल्कुल करवाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस का प्रयोग भी करवाते नजर आ रहे हैं। वही अगर भक्तों की बात की जाए तो भक्त सुबह 4 बजे है जो सुबह 4 बजे से मंदिर वाले शुरू हो गए थे, क्योंकि 4 बजे मंदिर के दीवार खोल दिए जाते हैं ताकि मंदिरों में ज्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि कोरोना के जो केस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उसको लेकर मंदिर कमेटी की ओर से बार बार मंदिर की जा रही है और भक्तों की ओर से भी जो है खासकर ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल रमेश, मैं आपका रुख करूंगी, हमारे सहयोगी रमेश फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है और आप भी इस समय मंदिर में ही मौजूद हैं। जैसे कि सभी को पता है सावन की शुरुआत हो चुकी है और इस समय लोग मंदिरों में जाते हैं, शिव भक्त शिव जी की आराधना करते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं ताकि वो उनकी सारी परेशानियों को दूर कर दें, तो क्या कुछ उस बार देखने को मिल रहा है? मैं चाहूंगा यहाँ पर जो है पुजारी, इस समय विनोद पुजारी है वो हमारे साथ मौजूद है मंदिर के, और ऋषाल गढ़वाल जी जो है वो प्रधान हमारे साथ इस समय मौजूद है, जैसे कि इनसे बात भी करेंगे। और कावड़ का जो समय बिल्कुल आ चुका है, जिसके अंदर सुरक्षा और चौकसी के पुलिस की तरफ से भी इंतजाम रहेंगे और उपायुक्त महोदय ने भी कुछ आदेश जारी किए हैं, उनकी भी अब की बार कावड़ियों को पालना करनी होगी। तो ये जो इनका पूरा जानकारी हमारे साथ विनोद पुजारी है उनसे भी हम लेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे सर, कावड़ का समय आ चुका है, श्रद्धालु लगातार जो है अभी तैयारियां चल रही हैं, कावड़ लें हरिद्वार और नीलकंठ जाएंगे, कितना समय लगता है, कैसा शेड्यूल रहता है सर? शुरू सही बात तो ऐसा है कि भगतों के ऊपर डिपेंड करता है, जितने समय आराम से आते हैं बोलो आराम से आते हैं वो 47 घंटों में भी आ जाते हैं, 48 घंटों समय लेके चलते हैं, हिसाब से रहते हैं भगत जो अपनी श्रद्धा। कैसे तैयारियां चल रही है अभी जो है कावड़ को लेकर के, श्रद्धालु अपना कैसे एक लिस्ट बनाई जाती होगी, मंदिर में आते होंगे, कैसे तैयारियां? नहीं नहीं, श्रद्धालु अपने अपने संदेश में रहते हैं, वो फोन के हिसाब से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई गाड़ी कर ली उन्होंने, कुछ बुकिंग कर ली है, सभी जन तैयारी कर रहे हैं अपने अपनी हिसाब से, 21 तारीख को जाएंगे, कोई 22 तारीख को जाएंगे, कोई घूमने की इच्छुक है ज्यादा घूमने की, अपने अपने हिसाब से अपने श्रद्धालु अपने मन से इच्छा। सृष्टि, जैसे पुजारी ने बताया अभी कि ये कह रहे हैं कि 21 और 22 तारीख के लगभग जो है यहाँ से जो है कांवड़िया जो है श्रद्धालु जो है नीलकंठ और हरिद्वार के लिए लगभग रवाना होंगे और अपने अपने व्हीकलों के ऊपर एक साइड से ये जाते हैं और वापसी में जो वहाँ से पैदल चल के ही आते हैं मंदिर के शिवलिंग के। जी आपके पास आऊंगे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले चल लेते हैं हम परमजीत के पास और जान लेते हैं उनसे कि आखिरकार उनके हलके में आज क्या कुछ खास होने वाला है। परमजीत, आपका रुख करूंगी मैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए कल जो बारिश हुई थी जिससे प्राण जल भराव जो है हो गया था, उसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और आज जो है धूप निकली है तो जो है आज काफी गर्मी होगी क्योंकि बारिश की उमस के कारण जो है गर्मी होगी। और देखिए सृष्टि के बाद मैं आपको बता दूं क्योंकि जींद जिला जो है हरियाणा का दिल कहा जाता है जींद को, लेकिन यहाँ विकास कार्य के नाम पर कुछ विकास कार्य नहीं हुआ है। बात की जाए जैसे थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो यहाँ पे जल भराव की जो सड़कें हैं उन पर जल भर जाता है, इसके चलते जो है सड़क खराब हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं और उनके गड्ढों के कारण जो यात्री जब वहां पे सफर करते हैं तो वो गिर जाते हैं। छोटे बच्चों की बात की जाए तो वो जब स्कूल जाते हैं तब गिर जाते हैं, तो परेशानी काफी है। लेकिन जो जीत के जो टीसी है मार उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने जो है अपनी बारिश को देखते हुए, बारिश का जो सीजन है वो शुरुआत हो गई है तो उसके उसको देखते हुए जो है दोबारा से जो सीरेज है उसकी
दोबारा सफाई की जाएगी, लेकिन सृष्टि हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आज से सावन का महीना स्टार्ट हो गया है और श्रद्धालु जो है मंदिरों में अपनी शिव जी की पूजा करने के लिए वहां पे पहुंचे हैं, लेकिन देखिए सृष्टि सावन की पहली बरसात नहीं, वैसे तो प्रसाद की दावों की पोल पोल लग दी क्योंकि बरसात कल हुई थी तो, लेकिन लोगों में जो है बारिश के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश के कारण जल भराव यहाँ पे हो जाता है। जी सृष्टि बिल्कुल परमजीत, तो यहाँ पर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है, जो दावे किए जा रहे थे वो यहाँ पर पूरी तरीके से खोखले नजर आए हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं कलावाली, हमारे सहयोगी जगदीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो सीधे समय मंदिर से लाइव आपको जानकारी दे रहे हैं और वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं, भक्तों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो जगदीश मैं आपका रुख करूंगी, आपकी भक्तों से बात हुई होगी, सावन की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे भक्त काफी उत्साहित नजर आते हैं, क्या खुशी देखने को मिल रही है उनके अंदर? बिल्कुल, भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले जो दो साल है, पिछले दो सालों में जो कोरोना का साल है जो हावी रहा उसको लेकर कांवड़ में भी कंबलों को नहीं जाया गया, लेकिन अच्छी बात जो कांवड़ कंबलों के लिए खास प्रबंध किए गए हैं और मंदिर में बात की जाए तो भक्तों में सुबह से आना जाना है और भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला है। और एक बात करी मैं स्पष्ट कर दूं कि हर हरियाणा की टीवी को लोगों के फोन आ रहे हैं कि शिव जी के भक्त किस प्रकार से रखे जाए, उनका भ्रम दूर करने के लिए हम पंडित जी से बात करेंगे कि उनके भक्त किस प्रकार से रखे जाते हैं और किस प्रकार से जो है शिव जी का पूजन है जो किया जाता है, क्योंकि कुछ भक्तों की जानकारी नहीं होती है, अधूरी जानकारी के कारण भक्त सही में खड़े रहते हैं। पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है। भोलेनाथ जी का व्रत सावन के मंथ में कैसे रखा जाता है, किस प्रकार का प्रसाद है जो भोलेनाथ जी को चढ़ाना चाहिए और भक्तों को किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए और कौन से बार को व्रत रखना चाहिए, कौन से भक्त टाइम शंकर भगवान के व्रत सोमवार को रखे जाते हैं, सोमवार के दिन सफेद रंग के व्रत पहने जाते हैं, वे जल्दी उठकर नहा धोकर वे शंकर भगवान के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाए, दूध दही शहद गंगा जल की स्नान करवाए, सावन के महीने में कितने व्रत जो है भोलेनाथ जी के रखे जाते हैं, क्या वो सोमवार को भी व्रत रखे हैं या मंगलवार, कुछ लोगों का कहना है कि मंगलवार शुक्रवार को भी व्रत रखे जाते हैं, जो स्त्रियों का कहना है कि अगर भोलेनाथ जी का व्रत रखा जाए तो उनको बड़ अच्छा मिलता है, किस प्रकार की दवा है? सही बात है, ये जैसे तो सोमवार को रखे जाते हैं शंकर भगवान के व्रत, कई बार पूरा महीना भी रख लेते हैं, जैसे एक टाइम अनाज खा लेते हैं, एक टाइम फलाहार कर लेते हैं, ऐसे रखे जाते हैं। जिसमें आपने देखा कि पंडित जी ने बताया कि भोलेनाथ जी का जो व्रत है वो को ही रखा जाता है, सोमवार को जो चार व्रत है सावन के चार महीने में चार जो सकार आते हैं उनको व्रत रखे जाते हैं, अगर भोलेनाथ जी का व्रत कोई फ्री रखती है तो उनको जो बल है वो अच्छा मिलता है और भोलेनाथ जी संसार करने वाले जो है देवता जो है माने जाते हैं उनका पंडित जी ने बताया कि सुबह जल्दी उठकर सलाम करके बिल्कुल जगदीश जी सलाम करवाकर व्रत रखा जाता है। बिल्कुल जगदीश, तो कालावाली से जगदीश हमारे साथ जुड़े, रमेश फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़े और परमजीत जीन से हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आखिरकार उनके हलके में आज क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ खास है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार।